हाय फ्रेंड, मैं चंद्रशेखर। मैं एक मोबाइल रिचार्ज पर वीडियो बना रहा हूँ, आप देखिएगा। आप लोगों को मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पहले क्या था, लाइफ टाइम इनकमिंग मिलता था सिम में, लेकिन अब वो कंपनी वालों ने बंद कर दिया। तो हम लोग भी वही करें कि कंपनी वाले को हम तो एक दो महीने यूज कर सकते हैं उनको। अगर साल में हम तीन महीने भी अगर फ्री कर लिए, 3 महीने फ्री में चला लिए, तो बहुत बड़ी बात है। मेरा एक मित्र बोला मेरे को, गजोधर नाम का है, बोला भाई मेरे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया है, कंपनी वालों ने इतना पैसा बढ़ा दिया है, मैं रिचार्ज नहीं करा पाता। मैं बोला बे बुर्बक कहीं का, तू रिचार्ज कराने की जरूरत क्या है, तू पोर्ट करा दूसरी कंपनी में, तेरा एयरटेल का है तो जियो में करा दे, 1 महीने फ्री इनकमिंग आउटगोइंग, फ्री बात करने के लिए और 1.5 GB डाटा रोज फ्री, 1 महीने इसमें करा दे, फिर 2 महीने के बाद फिर तीसरे में करा दे। मैं तो यही धंधा अपना लिया हूँ भाई। देखो, मेरा पहले एयरटेल का सिम था, एयरटेल वाले ने दाम बढ़ा दिया, फिर मेरे जेब पर मतलब भारी पड़ने लगा, तो मैं बोला जियो में रिचार्ज, जियो में पोर्ट करवा देता हूँ। देखो वो मैं भी रखा हूँ किट, जियो में रिचार्ज करवा दिया। अब जियो का हो गया है, फिर एक सिम था मेरे पास, मैंने उसको भी जियो में पोर्ट करवाया, मेरा 2 महीने का पैसा बच गया, जियो में इनकमिंग भी 1-2 महीने तक आती जाती रहती है, इनकमिंग चालू रहती है 1 महीने तक लगभग। मैं ट्राई नहीं किया हूँ, लेकिन मतलब 1 महीने तक चालू रहती है, 1-1.5 महीने तक, फिर 2 महीने इसमें यूज करेंगे, फिर तीसरे महीने वोडाफोन में पोर्ट कर देंगे सिम को। अपना क्या जाता है, फ्री में पोर्ट हो रहा है, फ्री में 1 महीना मिल रहा है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग भी ऐसा ही करें, क्योंकि एक आधार कार्ड पर पोर्ट करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना लिमिट कर सकते हैं, लेकिन जिस कंपनी में आपने अपना सिम किया है पोर्ट करेंगे, उसमें 90 दिन तक आपको उसका कस्टमर बनकर रहना पड़ेगा। बस 90 दिन बीता, फिर हम दूसरे कंपनी में करेंगे सिम पोर्ट करेंगे, 1 महीना फ्री चलाएंगे। कंपनी वाले ने क्यों थोड़ी चला कर, क्या हम लोग कम चलाएंगे थोड़ी हैं। बस इतना ही, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोग मेरे को ऐसे ही प्यार दुलार देते रहें और मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो कॉमेडी आप लोगों के पास पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।